हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AK ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों को इस डिक्टेशन में विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। और दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाईकोर्ट, विधानसभा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NTPC, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। और दोस्तों, आप लोगों को इस डिक्टेशन की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सकें। और दोस्तों, आप लोग अगर स्टेनो सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। खाद्यान्न की कमी वाले देश से भारत अब खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने वाला देश बन गया है। विराम। बेशक यह यात्रा काफ़ी लंबी रही है, कोमा, लेकिन अब भारत कृषि क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विराम। हाल ही आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन से इस आत्मविश्वास को और बल मिला है। विराम। संशोधन का उद्देश्य यह है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले और इसके साथ ही सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणालियों के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को भी किफ़ायती कीमतों पर विभिन्न उत्पाद मिलें। विराम। यह संशोधन एक दूरगामी कदम है, कोमा, जो निश्चित तौर पर सभी हितधारकों जैसे कि किसानों, कोमा, कृषि क्षेत्र के निवेशकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। विराम। निरंतर बदलती जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत प्रभावी नीतिगत बदलाव एवं एक बहुआयामी दृष्टिकोण की नितांत आवश्यकता थी और यही इस संशोधन का मुख्य पहलू है। विराम। 1955 से ही खाद्य सामग्री को रुक रुक कर और कुछ मौक़ों पर लंबी अवधि के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विनियमित किया गया है। विराम। पिछले 2 दशकों के तथ्यों की एक जांच से पता चला है कि 2006 से लेकर 2017 तक 10 से ज़्यादा वर्षों के लिए दालों को विभिन्न विनियमित किया गया था और इसी तरह 2008 से 2018 तक के खाद्यान्न तेलों तिलहनों को विनियमित किया गया। विराम। चावल को 2008 से 2014 तक 5 से अधिक वर्षों के लिए विनियमित किया गया था। विराम। इन वर्षों में अपेक्षाकृत कम कीमतों वाली अवधियां शामिल थी। विराम। आवश्यक वस्तु अधिनियम को लंबी अवधियों के लिए लागू करने से अत्यधिक हस्तक्षेप संबंधी और स्टॉक सीमा को मनमाने ढंग से थोपे जाने जैसी आशंकाएं पैदा हुई थी। विराम। असल में ये प्रावधान निवेश को हतोत्साहित करने वाले थे। विराम। ज़्यादा
उत्पादन कम कीमतें और कम उत्पादन ज़्यादा कीमतें, कोमा इसके अलावा अधिक उत्पादन की स्थिति में फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान के कारण किसानों और उपभोक्ताओं, कोमा दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है, विराम। पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ इस बर्बादी को कम किया जा सकता है, कोमा जिससे उत्पादकों को लाभकारी कीमतें मिलेगी और उपभोक्ताओं को मजबूत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, विराम। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। अब इन जिंसों में मूल्य श्रृंखला वाले प्रतिभागियों को जरूर बढ़ावा देगा, विराम। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों से कृषि खाद्य वस्तुओं को छूट दिए जाने से संगठित क्षेत्र के कृषि व्यापार की ओर आकर्षित होने की उम्मीद है, विराम। एक मूल्य श्रृंखला प्रतिभागी की स्थापित क्षमता या एक निर्यातक द्वारा प्राप्त की गई आयात की मांग को स्टॉक सीमा लागू होने के बावजूद भी उससे छूट दी जाएगी, विराम। इस वजह से उत्पादन कोमा भंडारण कोमा आवाजाही वितरण और आपूर्ति की आज़ादी से लागतों में बचत की जा सकेगी और अनाज कोमा दलहन तिलहन कोमा आलू और प्याज के लिए भंडारण कोमा परख कोमा विपणन आदि सुविधाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा, विराम। यह संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा है, विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सकें। और दोस्तों, आप लोगों को इस डिक्टेशन का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।